अस्सलाम वालेकुम भाइयों और प्यारे भाइयों की बहनों। तो आज का सीन ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं सदर। सदर क्यों जा रहे हैं भाई? सीन ऐसा है कि मेरे जो दो दोस्त हैं वो जा रहे हैं जर्मनी। आज रात में उनकी फ़्लाइट है, तो हमने सोचा कि उनको कुछ गिफ्ट करने के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लें, और मुझे जो है वो अपनी बाइक के लिए जो है एक मोबाइल का स्टैंड लेना था, ताकि हम मोबाइल जो है बाइक पर लगा सकें। तो चलते हैं सदर, और जाते जाते हम लोग जो है इसकी टॉप स्पीड भी चेक कर लेते हैं, जीएस की क्या लगती है नहीं लगती। रोड इतने अच्छे हैं तो नहीं कि इस पे लगेगी, फिर भी टेस्ट कर लेते हैं कि लगती है नहीं लगती। नहीं मेरी जान, इन रोडों पे नहीं लगेगी टॉप स्पीड, बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है कि यहाँ पे टॉप स्पीड लग ही नहीं सकती। तो बस फिर यार चलते हैं फिर सदर, सदर जाके और रास्ते में दिखाते हैं आप लोगों को कैसे कैसे हमें मिलते हैं अनाड़ी राइडर्स। अरे भैया साइड हो जाओ, साइड 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 हो जाओ। अरे ये भाई, ये राइडर हमें कर रहा है ओवरटेक, तेरा तो गेम बनाना पड़ेगा साले। यार सीन ऐसा, ट्रैफिक इतना है, इतना ट्रैफिक है भाई, गाड़ी रुक रुक के रुक रुक के रुक रुक के जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, फटाफट अब हमें जाना है सदर, नहीं सदर से पहले भी हमें जाना है जैनब मार्केट। तो फाइनली हम अपनी जैनब मार्केट पहुंच गए। एक्चुअली हमें यहाँ से जो लेने हैं वो लेनी है हाई नेक्स, नेक की जो कवर करती है ना हाई नेक्स, वो कवर लेने हैं हमें। फटाफट हम वो लेते हैं, बाइक लगाते हैं पार्किंग में और फिर चलते हैं लेनी है। तो फाइनली हमने ये ले ली थी हाई नेक्स, और फिर अब हम जा रहे हैं मोबाइल मार्केट, क्योंकि हमें लेनी है दो वॉच जो कि हम गिफ्ट करेंगे, मतलब मैं और मुबशर हम लोग गिफ्ट करेंगे अपने दोस्तों को। तो सीन ऐसा है कि अब हम जल्दी से चलते हैं, जल्दी जल्दी अभी। भाई ट्रैफिक बहुत है यार, कराची के रोड और कराची का ट्रैफिक। जगह दे दो, थोड़ी थोड़ी जगह दे दो। तो पार्किंग, पार्किंग नहीं यहाँ भी नहीं लगा सकते, पार्किंग कहाँ है? हाँ ये आगे जगह दे दो भाई, जहाँ पे चलो भाई। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे भाई वो आ गया शपाटा रोड का। ये अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है भाई, कैमरे लगा दो ना तो प्रोटोकॉल ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो लगाते हैं भाई इसको आगे, इसको पहले जगह बना दो, फिर हम देते हैं इसको बाइक आगे, ताकि हमारी बाइक जो है लगाते पार्किंग में। चलो ये कह रहा है यहाँ छोड़ दो, तो भाई यहीं छोड़ देते हैं इसको बाइक को। तो मैं उतर ही रहा था कि भाई मैंने देखा ये यहाँ पे फट्टा शुरू कर दिया भाई ने। आप सुनो इनका फट्टा भाई, बैग कहाँ गिर गया? जाए बैग। तो भाई आप लोग बताओ कि क्या सीन है इसका, ये बंदा सही लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा? इनकी तो बहुत माफिया चल रहा है भाई, पार्किंग माफिया बहुत है। चोरी तो कर रहे हो ना, चोरी तो कर रहे हो ना, आप बाहर निकाल ले यार, दोस्त नाराज नहीं होना। तो भाई फाइनली जो है हम ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँच के हमने ढूंढी अपनी वॉच। तो भाई कैमरा जो है ना देख के ना इनके रेट जो है ना बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो हमने फटाफट जो है ले ली थी वॉच। हम नीचे आ गए, नीचे आके अब हम ढूंढ रहे हैं अपनी बाइक, हमारी बाइक कहाँ है जानी? बाइक इसने पार्क कहाँ करी है? वो भाई बाहर निकाल के खड़ी करी है बाइक। अब फटाफट हम अपनी बाइक के पास पहुँचते हैं और फिर पहनते हैं अपनी जैकेट अपर वगैरह जो भी है। कराची का मुआयना कर रहा हूँ, ये कराची के रोड देखना चाह रहा हूँ, कराची के लोग देखना चाह रहा हूँ, रोड देखने जा रहा हूँ, लोग तो बहुत सारे देख रहे हैं। नहीं जी भाई, हमने जो है अपना सामान ले लिया, हमने बाइक का जो है मोबाइल का स्टैंड भी ले लिया था, वो बैग में रख दिया। अब हम निकलते हैं ऑफिस की तरफ, जगह 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 भाई। अब हम निकलते हैं ऑफिस की तरफ, अब जाके हम ऑफिस की तरफ ही दिखाएंगे आपको भी। फाइनली अब हम ऑफिस पहुंच गए भाई, जल्दी से बाइक लगाई हमने पार्किंग में और फिर चले भाई, लेट हो गए थे भाई थोड़ा।
जगह, हाँ ये मिल गई जगह, यहाँ पे हमने लगाई बाइक, लॉक करी और फिर निकल गए ऊपर। बस फिर काम करने के बाद चाय पीने आए, चाय पीने आके अब हमने जो है यहाँ पे जो है ऑर्डर दे दिए थे बराबर में से पिज़्ज़ा, और पठान हमें ऐसे ऐसे गौर से देख रहा था कि हमने उसकी चाय का ऑर्डर नहीं दिया और यहाँ पे बैठ के खा रहे पिज़्ज़े। फटाफट हमने पिज़्ज़ा खा लिया, तो फिर उसके बाद अब वापसी में जो है अब हमें बुक करवाने थे वो गिफ्ट पैक, तो हमने ढूंढी एक शॉप, ये शायद गिफ्ट पैक करते हैं, आप गिफ्ट पैक करते हैं, गिफ्ट गिफ्ट भाई के पास जो थी हमें भाई इनके पास था गिफ्ट पेपर, तो हमने फटाफट जो है भाई से कहा कि पैक कर दो जल्दी से हमें देर हो रही है, हमने फटाफट इनसे पैक करवाया। वो भाई ने बहुत 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 बेहतरीन तरीके से पैक करा, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, प्रॉपर तरीके से इन्होंने पैक करके दिया हमें दोनों गिफ्ट, और गिफ्ट के साथ साथ इन्होंने जो है वो फ्लावर्स जो है हमें ऐसी गिफ्ट में जो है लगा के दे दिए थे, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि मैंने अपने फ्रेंड्स को देना है, तो इन्होंने बहुत डेकोरेशन के साथ इनको फ्लावर्स को लगाया और हमें दे दिया। फटाफट हमने ये गिफ्ट लिए और फिर हम चल पड़े घर की तरफ, क्योंकि हमें रात में जो है 2:30 बजे तकरीबन निकलना है एयरपोर्ट की तरफ, तो जगह 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 जगह। और अभी हमें वापसी में जो है अब हमें पता चला कि भाई हमारा फ्यूल जो थोड़ा कम है, तो हम जो है सबसे पहले यहाँ पे करवा लेते अपना फ्यूल फिल। हाँ आगे जाके भाई ये जो आगे अब हम हमारे लेफ्ट साइड पे, तो अब हम लगाते हैं लाइन में। अबे यार यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है यार, बहुत लंबी लाइन है ये तो यार, चलो लगा लेते हैं भाई। वेट ही कर रहा था कि भाई बस ये लाइन में लगाया था कि अब ये पीछे से भाई एक भाई जो है उनको पेट्रोल चाहिए था, ये आए। कहाँ तक जाना है आपने? कहाँ? सिंगल चुरंगी से आपको थोड़ी मैं छोड़ देता हूँ पाँव लगा के, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ मैं, असल मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं छोड़ दूँगा। हमने जो है यहाँ पे जो है अपनी टंकी को करवाया फुल, फुल करवानी थी क्योंकि यार हमें रात में जाना भी था और फिर हमारा पूरा निकल जाता है, तो हम टंकी को जो है फुल करवा लेते हैं और फिर भाई को भी छोड़ना था, तो अब हम इसको फुल करवा के भाई को पैर लगा के छोड़ते हैं। भाई मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए भाई को क्योंकि सीन ऐसा है कि जो है ना ये पैसे खाते हैं और ये चर्स वर्स करते हैं जो भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर मुझे लगा कि यार मैं उनको कुछ छोड़ दूँ, पैसे देता यार वो फिर आदत बन जाती है उनकी, रोज़ आके यहाँ खड़े होते हैं, इसलिए मैंने उनको खुद कहा कि यार मैं कुछ छोड़ दूंगा आपको। तो फिर जैसे ही मैं यहाँ पे पैसे वैसे कटवा देते हैं, अब यहाँ पे पैसे कटवा के भाई अपने हम निकलते हैं आगे, ताकि अब हम भाई को भी छोड़ें और फिर फटाफट पहुँचें घर, और फिर हमें रात में जाना भी है यार सीन, जल्दी जल्दी फटाफट। इन भाई ने हमारी पर्ची काट के दे दी यार, फुल हो गई थी टंकी, तो फिर अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे, क्योंकि तो आगे पीछे भी लोग हैं, तो थोड़ी सी आगे कर लेते हैं बाइक को ताकि पीछे वालों को जगह मिल जाए, जल्दी 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 जल्दी। तो भाई जैसे ही मैं निकला आगे, तो भाई सीन जो है मैंने उससे बोला आने का, तो वो कह रहा है यार मुझे दूसरा फंदा मिल गया जो मेरा तलवार है बेटो। तो भाई ऐसे मतलब हम सोचते हैं कि यार हम मदद करें, और ये जो है ये मतलब फुल यहाँ पे क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को यार, मैं तो चाह रहा था कि उसकी मदद करूँ, उसको घर छोड़ के आ जाऊँ, लेकिन अब उसने दूसरा बंदा घेर लिया जो उसको पूरा छोड़ मतलब पेट्रोल डलवा रहा है, बल्ला आलम क्या करवा रहा है, लेकिन यार क्या बोलें ऐसे लोगों को। मेरे साथ ऐसा दूसरी तीसरी दफ़ा हुआ है कि मैं मदद करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन यार दूसरा बंदा जो है ना वो पैसे ही चाह रहा है, तो आप लोग बताओ क्या सीन है। अब हम फटाफट जो है घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के हमें थोड़ा सा रेस्ट करना है, रेस्ट करने के बाद जो है अब हम निकलेंगे फिर रात को एयरपोर्ट के लिए। ऐसा हमने घर पहुंच गए थे, हमने नहा वहा लिया और खाना वाना सब खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए।
एयरपोर्ट पर फटाफट अब पहुँचते हैं हम। सीन ये ऐसा है यार, रात में इतने कोई बेहतरीन रोड हो रहे होते हैं, बहुत बेहतरीन रोड हो रहे हैं रात में यार, डबल वन रोड के बाइकर्स के लिए तो लव है रोड यार। ये एयरपोर्ट वाला रोड मुझे बहुत बेहतरीन लगा यार रात में राइड करना। तो सीन है जल्दी 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 एयरपोर्ट एयरपोर्ट पहुँच गया हमें ये गिफ्ट देने, और ये हाईनेक्स देनी है उन लोगों को जो उन्होंने मंगवाई थी, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे वापस घर की तरफ। तो फटाफट पहुँचते हैं, चलो लंबा सफ़र है थोड़ा सा, तो फटाफट 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 हमें रास्ता नहीं पता था, हमने इन पुलिस वालों से पूछा कि एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो भाई ने कहा कि सीधा ही जाना है, तो हमने सीधा जल्दी से एयरपोर्ट एयरपोर्ट जा के फिर आगे बात करें। यार ऐसा नहीं है कि हम जा नहीं सकते, लेकिन सिग्नल बंद है, तो भाई ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक है बहुत सारा, लोग जा रहे हैं, लेकिन हम सिग्नल को फॉलो करते हैं ताकि कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन पाकिस्तान में आए। बोलो पाकिस्तान भाई, नेवी वाला खुद भगाता हुआ जा रहा है, सिग्नल तोड़ता हुआ, क्या बोले हम उनको यार। चलो अब हम चलते हैं, हमारा तो सिग्नल खुल गया, अब फटाफट पहुँचते गेट पर, गेट से अंदर जाते हैं, फिर पार्किंग में बाइक लगा के फटाफट पहुँचते हैं ऊपर के पार्सल करने। फाइनली यार फाइनली हम पहुंच गए गेट पे, इन भाई ने हमारी सिक्योरिटी चेक की, पूरी बाइक चेक की, पेपर चेक करे, NIC चेक करा भाई, फिर हमें अंदर छोड़ा, इन्होंने लाइट बंद करवाई सबसे पहले, तो ये कह रहे रंग बिरंगी गोला घंटा क्या लाइट जलाई, इनको क्या पता भाई के रात में बाइक चलाने के लिए लाइट कितनी ज़रूरी है। इन्होंने NIC वगैरह चेक करने के बाद इन्होंने फाइनली हमें अंदर छोड़ा। अब अंदर जाते हैं, अब हम अंदर, इन्होंने अंदर पहुंच गए भाई फाइनली, अब हम अंदर पहुंच गए, अंदर जाके अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे पार्किंग, पार्किंग कहाँ है यार, पार्किंग का सीन कैसा है यहाँ पे, पार्किंग 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 ढूंढते हुए पार्किंग ढूंढ रहे हैं अब हम यार, पार्किंग थोड़ी सी तो आगे मिले, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, देख रहे हो यार लाइट, लाइट कितनी बेहतरीन है, हेडलाइट यार बहुत मज़ेदार लाइट है ये, मैंने फोकस लगवाए हैं दो और मुझे लिटरली बहुत पसंद है ये, क्योंकि मुझे रात में जो है इनसे बहुत फ़ायदा होता है। तो फाइनली अब हमें पार्किंग, हाँ यार वहाँ बुलान के पास लगा देते हैं, हमें फाइनली ये बुलान के बराबर में पार्किंग मिली, तो अब हम यहाँ पे फटाफट हमने जो है अपनी बाइक लगाई, बाइक लगा के फिर अब हम पहुँचते हैं अंदर। तो भाई हम अंदर पहुँच गए थे, अंदर पहुँच के हम एक दोस्त से मिल लिए थे, उसको हमने उसका पार्सल जो भी था उसको दे दिया, और दूसरे दोस्त का इंतजार था, फटाफट हमने मिले और फिर हमने सेल्फी ली यहाँ पे, सेल्फी लेने के बाद अल्लाह हाफिज़ करा भाई दोनों को, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक यार, पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला सीन है यहाँ पे अभी तो। तो फाइनली ये लोग जो जा चुके थे, लेकिन हम लोगों का दिल नहीं मान रहा था, तो मुबशर और जो है मैं जो है हम लोग बैठ गए वहीं पे, हम लोगों ने पूरा वेट करा इनका सुबह तक, जब तक इनकी फ़्लाइट उड़ नहीं गई, क्योंकि दिल नहीं मान रहा था यार, वो दोस्त जो 8 साल आपके साथ रहे और फिर एकदम से जा रहे हो मुल्क छोड़ के, तो फील होता है यार, भले हम लड़कियाँ रोती हैं लेकिन सीन ऐसा है कि हम लड़के भी भाई इमोशनल हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे वेट करा, यहाँ पे अजान भी हो गई थी, तो हमने अजान सुनने के बाद, हमने रोशनी होने के बाद जो है हम फटाफट जो है घर की तरफ निकल गए थे। तो भाई आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, मुझे पता बहुत लंबा हो गया व्लॉग, तो अब जो है यहाँ पे इसको एंड करते हैं, लाइक
कमेंट शेयर लाजमी कर देना अगर अच्छा लगा तो, भाई को सपोर्ट करो ताकि ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहें। अल्लाह हाफिज़।